Hello guys and welcome back to my channel. My name is yash rachwani और मेरे channel the business economics पे मैंने जो तीन videos पिछले चली थी उसमें मैंने first chapter complete करा दिया. अगर आपने first chapter नहीं देखा तो पहले जाके वो देखो. आज आते हैं हमारी fourth video पे जिसमें आपको पढ़ाऊंगा नया chapter which name is consumer equilibrium. ये chapter start करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो हम कैसे पढ़ेंगे. एज अ कंज्यूमर, हम कौन है? कंज्यूमर है जो चीजें परचेज करता है. कौन है? कंज्यूमर. समझ में आई बात? और हमेशा क्या मान के चलेंगे? अपने आप को एक कंज्यूमर के तौर पे मान के चलेंगे. चलो आगे शुरू करते हैं वीडियो. कंज्यूमर रेफर टू द पर्सन हु बाय द गुड्स फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ वॉन्ट्स. इसका मतलब क्या हुआ कि कंज्यूमर एक इंसान है, एक पर्सन है जो गुड्स परचेज करता है, सर्विसेज लेता है. किसके लिए? अपने सेटिस्फेक्शन के लिए. फॉर एग्जाम्पल, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो उससे एक सर्विस रेंडर करते हो ताकि आपकी जो वॉन्ट्स है वो सेटिस्फाई हो सके. आप एक दुकान पे जाते हो और एक चिप्स का पैकेट खरीदते हो तो क्या इसलिए खरीदते हो? ताकि जो आपकी वॉन्ट्स है, जो आपकी इच्छा है वो सेटिस्फाई हो सके. तो कंज्यूमर कौन हुआ? कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन हुआ जो गुड्स चीजें खरीदता है. किस लिए? ताकि जो उसकी वॉन्ट्स है, इच्छा है वो सेटिस्फाई हो जाए. आई बात समझ में? अब आता है यूटिलिटी पे. ये क्या भाई? यूटिलिटी. यूटिलिटी देखते ही क्या चीज है, ठीक है? यूटिलिटी. यूटिलिटी रिफर टू द वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कॉमोडिटी. इसका मतलब क्या हुआ? जो एक यूटिलिटी एक यूनिट होती है जिसके अंदर हम अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर करते हैं. वापस बताता हूं, यूटिलिटी एक यूनिट होती है जिसके अंदर हम अपनी जो सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं दुकान पे गया और मैंने 10 रुपए की अंकल चिप्स ली तो मेरी वॉन्ट्स कितनी हो गई? 10 रुपए. तो मेरी यूटिलिटी भी कितनी होनी चाहिए? 10 रुपए, तब जाके मैं सेटिस्फाई हूंगा. अगर उससे कम है तो लेना बंद कर दूंगा क्योंकि मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही जितनी प्राइस दे रहा हूं. और ज्यादा आ गई, 10 रुपए में 12 रुपए की यूटिलिटी आ गई, तो मैं क्या करूंगा? और लूंगा क्योंकि मेरे को ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज कम्पेयर टू प्राइस. आई बात समझ में? यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी एक वॉन्ट होती है, यूटिलिटी एक मेजर होती है, एक यूनिट होती है जिसके अंदर जो हमारी वॉन्ट्स है, जो हमारी सेटिस्फेक्शन है उसको मेजर कर सकते हैं. आई बात समझ में? अब आते हैं अगले टॉपिक पे. कितनी तरह की यूटिलिटी होती है? बहुत तरह की, जो आपने पहले पढ़ चुकी है. कैसे होता है? टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी एंड एवरेज यूटिलिटी. आई बात समझ में? टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी ये बताता है कि टोटल सेटिस्फेक्शन अपन को कितना मिला, कितना टोटल सेटिस्फेक्शन हमने डिराइव किया सारी यूनिट कंज्यूम करने से. फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 चॉकलेट खाए, है ना, तो सारी यूनिट कंज्यूम 10 चॉकलेट खाने से मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिला? 10 चॉकलेट, समझ लो एक चॉकलेट 10 रुपए का था और 10 चॉकलेट 100 रुपए के थे. आई बात समझ में? अगर मेरे को उसमें से कितना सेटिस्फेक्शन मिला कि एक से एवरेज मान के चले 10 मिला तो सबसे कितना मिला? 100. तो यही बताता है टोटल यूटिलिटी कि टोटल गुड्स खाने पर मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला. आई बात समझ में? टोटल गुड्स खाने पर मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला. अब आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी पे. मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? मार्जिनल का मतलब ही सर ये होता है कि एडिशनल. आई बात समझ में? मार्जिनल का मतलब ही होता है एडिशनल, ठीक है? तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बता रहा है कि एडिशनल यूटिलिटी. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने 10 यूनिट कंज्यूम करी तो मुझे 100 रुपए यूटिलिटी मिली, 100 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिला और 100 रुपए की प्राइस थी, ठीक है? अब मैंने एक और चॉकलेट खाया ना, 11वां चॉकलेट, तो मुझे कितना मिला टोटल 11 यूनिट पे? 108. तो जब एक और यूनिट मैंने खाई तो उसमें मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला? वापस बता रहा हूं, जब एक और यूनिट खाई, 11वां यूनिट चॉकलेट की खाई, तो जब मुझे 8, पहले 100 था अब 108 हो गया, तो जो 8 एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला वो कौन बताता है? मार्जिनल यूटिलिटी बताता है. आई बात समझ में? टोटल यूटिलिटी क्या बताता है कि मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन कितना मिला, और मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है कि मुझे एक और यूनिट कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिला. आया? बहुत ईजी था. इसका फॉर्मूला देख लेते हैं कि अगर मैंने 11वीं यूनिट कंज्यूम करने पे 108 सेटिस्फेक्शन मिल रहा था और 10वीं यूनिट कंज्यूम करने पे 100 मिल रहा था तो एडिशनल कितना मिला सर? 8 यूनिट मिला. आई बात सर ने? और ये क्या बता रहा है? दूसरा फॉर्मूला है एमयू का ही, वो क्या बताता है कि चेंज इन टोटल यूटिलिटी. कितना चेंज आया?
एक और यूनिट कंज्यूम करने पे 8 का चेंज आया, और चेंज इन क्वांटिटी क्या बताता है कि कितनी यूनिट और कंज्यूम करी, 1 यूनिट और कंज्यूम करी, तो इनको डिवाइड करके क्या आंसर आ गया, 8। आई बात समझ में। अब आते हैं हमारे सेकंड टॉपिक पे, विच नेम इज द रिलेशन बिटवीन टीयू और एमयू। तो टीयू जैसे मैंने आपको अभी बताया क्या बताता है, टोटल यूटिलिटी हमें कितनी मिली, और एमयू क्या बताता है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमें एक यूनिट और कंज्यूम करने से कितनी मिली, एडिशनल यूटिलिटी हमें कितनी मिली एक यूनिट और कंज्यूम करने से। आई बात समझ में। तो आप आते हैं इनके रिलेशन पे, ठीक है। तो टीयू इंक्रीजेस एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टीयू तब तक बढ़ता जाएगा जब तक एमयू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टीयू तब तक इंक्रीज होता जाएगा एज लॉन्ग एज एमयू इज पॉजिटिव, तब तक बढ़ता जाएगा जब तक एमयू क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। आई बात समझ में। टीयू मैक्सिमम हो जाएगा जब एमयू जीरो हो जाएगा, टीयू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आ जाएगा तब जब एमयू जीरो होगा। इनके बीच का एक रीजन है वो मैं आपको बताता हूं, और टीयू तब गिरने लग जाएगा जब एमयू नेगेटिव हो जाएगा। चलो सर ये बात समझ में आ गई कि टीयू इंक्रीज होगा जब एमयू पॉजिटिव होगा, टीयू मैक्सिमम पे होगा जब एमयू जीरो होगा, और टीयू डिक्रीज होगा जब एमयू नेगेटिव होगा। बट क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो एमयू होता है ना वो क्या होता है, एडिशनल यूटिलिटी होती है किसकी, मार्जिन टोटल की। कि अगर मैंने 100 यूनिट खाई और जो मार्जिनल है वो 8 निकली, तो टोटल कितनी हो गई, 11 यूनिट पे 108। फिर मैंने अगर एक और यूटिलिटी खाई तो उससे मुझे 6 यूटिलिटी मिली, मार्जिनल कितनी हुई 6, तो 108 कितना हो जाएगा 114। आई बात समझ में। तो एमयू क्या बताता है, एडिशनल बताता है किसका, टोटल यूटिलिटी का। तो जब वो पॉजिटिव होगा तो वो बढ़ता जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो मैक्सिमम पे हो जाएगा, क्योंकि टीयू मैक्सिमम पे इसलिए हो जाएगा क्योंकि टीयू उसके बाद नहीं बढ़ पाएगा, और एमयू क्या हो जाएगा, टीयू जीरो के बाद नेगेटिव होने लग जाएगा, तो टीयू क्या होने लग जाएगा, गिरने लग जाएगा। क्योंकि जब टीयू एमयू पॉजिटिव होता है तो टीयू बढ़ता है, एमयू जीरो होता है तो टीयू मैक्सिमम पे होता है, और एमयू नेगेटिव होता है तो टीयू गिरने लगता है। ये देख लीजिए कि जब एमयू पॉजिटिव होता है तो वो टीयू बढ़ता जाता है, टीयू अपने मैक्सिमम पे होता है जब कब, जब एमयू जीरो होता है, और टीयू गिरने लगता है, डिक्रीज होने लगता है जब एमयू नेगेटिव होता है। इसके यूटिलिटी इसके शेड्यूल के साथ भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मेरे को अंकल चिप्स बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं अंकल चिप्स खाता हूं, ठीक है। अगर मैंने आइसक्रीम ले लेता है, आइसक्रीम दे रखा है तो हम आइसक्रीम ले लेते हैं, ठीक है। अगर मैंने एक आइसक्रीम खाई, ठीक है, तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली एडिशनल, 20, और टोटल भी कितनी हुई 20, क्योंकि मैंने कितनी यूनिट कंज्यूम कर रखी है 20। आई बात समझ में। फिर मैंने एक और यूनिट खाई, जैसे लॉ, एक लॉ होता है कि जैसे जैसे हम खाते जाएंगे चीज को वैसे वैसे उसका जो मजा है, जो सेटिस्फेक्शन है, वो कम होता जाएगा। आई बात समझ में, जो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जैसे अगर मैंने एक और यूनिट खाई, ठीक है, तो मुझे मजा कम मिलेगा क्योंकि एक चीज बार बार खाने से उस चीज को बोर हो जाते हैं। कितना मिला 16, तो 20 + 16 कितना हो गया एडिशनल, टोटल 36। और अगर मैंने एक और यूनिट खाई तो और सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा, तो अब कितना मिलेगा 10, और ये कितना हो जाएगा 46। फिर मैंने एक और यूनिट खाई तो कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 50, क्योंकि क्या बताता है, एमयू का टोटल। आई बात समझ में। एमयू क्या बताता है, एडिशनल बताता है, टोटल यूनिटी क्या बताता है, सबका टोटल। जब मैंने 4 यूनिट खाई तो मुझे कितना मिला 50 यूनिट टोटल सेटिस्फेक्शन मिला। अब ये वो पॉइंट आ गया जब एमयू किस पे होता है, अपने जीरो पे होता है, और टीयू क्या हो जाता है, मैक्सिमम, क्योंकि उसके बाद क्या होने लग जाता है, टीयू गिरने लग जाता है। तो ये पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है इसको बता रहा है, फिफ्थ वाला क्या बता रहा है कि जब एमयू जीरो हो जाता है तो टीयू क्या हो जाता है, अपने मैक्सिमम पे हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो गिरने लग जाता है। अब जैसे सिक्स पॉइंट आता है, वो सिक्स पॉइंट क्या बता रहा है कि जैसे ही एमयू नेगेटिव हो जाता है तो टीयू क्या हो जाता है, फॉल होने लग जाता है। आई बात समझ में। अब मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताना, एंड थैंक यू।